हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीसी कैसे बने, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितना मिलता है, टीसी बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आपको टीसी यानी कि रेलवे टिकट कलेक्टर से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकट कलेक्टर कैसे बने यह जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी का क्या काम होता है। मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग यह जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यह शॉर्ट में बता देता हूं। टिकट कलेक्टर रेलगाड़ी में यात्रियों के पास टिकट चेक करने का कार्य करता है। साथ ही वह यह भी देखता है कि कोई बिना टिकट के यात्रा तो नहीं कर रहा है। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है तो उस व्यक्ति पर फाइन लगाने का कार्य भी टिकट कलेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। या फिर ट्रेन में अगर किसी सीट के चलते यात्रियों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा भी टीसी को ही करना पड़ता है। टीसी यात्रियों के द्वारा रखे गए सामान के टिकटों को जांच करने के साथ साथ यह भी देखता है कि कितने यात्री रेलवे पास के साथ यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के साथ बड़े भारी आकार में पैकेज, कुत्तों, पक्षियों आदि होने की स्थिति में शुल्क दर के नियमों पर भी ध्यान देना टीसी का काम होता है। टीसी मालगाड़ी में रखे सामान को भी जांचता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि कोई अतिरिक्त सामान या कोई विवादास्पद वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाई जा रही हो। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि टीसी का क्या काम होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टीसी कैसे बने, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, रेलवे में टीसी बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की भी आवश्यकता होती है। सो नंबर वन, टीसी बनने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अदर कंट्री के लोग टीसी के एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। नंबर टू, आप 12th क्लास पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, आप टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर बन सकते हैं। नंबर थ्री, एज लिमिट, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब कि आप 18 से 25 वर्ष के बीच में टीसी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा हो गई है तो आप टीसी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और वहीं पर अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है। आपके लिए एज लिमिट 18 से 28 वर्ष तक रखी गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टीसी के लिए आवेदन कैसे करें। आपको बता दें कि टिकट कलेक्टर की पद की भर्ती 19 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में होती है, जैसे RRB पटना, RRB इलाहाबाद, RRB चेन्नई के माध्यम से किया जाता है, जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित है। इसके लिए आप इन बोर्डों के वेबसाइट को रेगुलर चेक कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया भर्ती आएगा आपको इन वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एग्जामिनेशन प्रक्रिया के बारे में। सो नंबर वन, इंटरव्यू, ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपसे कुछ मौखिक सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप इसमें पास हो गए तो फिर आपको लिखित एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। नंबर टू, लिखित एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा का आयोजन सभी रेलवे बोर्ड के केंद्रों में एक साथ होता है। इस परीक्षा में लगभग 110 चार विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एक विकल्प को चुनना होता है। इस परीक्षा में आपसे कई तरह के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर थ्री, फिजिकल टेस्ट, यदि आप पहले के दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और अगर आप रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको रेलवे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की अनुमति दे दी जाती है। अगर आप तीनों परीक्षा पास हो गए तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं टीसी बनने के लाभ और सैलरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि टीसी की सैलरी 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होती है, एंड आपको मासिक वेतन के अलावा अतिरिक्त डीए और परिवार के रहने के लिए एक फ्री घर की सुविधा भी मिल जाती है। इसके साथ कर्मचारी और उसके परिवार को चिकित्सा भी फ्री रहती है, और आपका परिवार किसी भी ट्रेन में फ्री में सफर कर सकता है।
तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि टीसी कैसे बनते हैं। एंड एक डाउट जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि टीसी, टीटी एंड टीटीई ये सभी एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं। देखो भाई, टीसी और टीटी और टीटीई ये सभी एक ही होते हैं और इन सभी का काम टिकट चेक करने का होता है, लेकिन इन सभी में जो सीनियर होता है वो टीटीई होता है। ये भी टिकट चेक करते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं, लेकिन ये बनने का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह के नई वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।